वेलकम बैक। देखिए, हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, चूंकि एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं किरचॉफ्स लॉ के, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है। इसमें दो लॉ है, उसको हम लोग देखेंगे और फिर इसी से रिलेटेड आपका व्हीट स्टोन ब्रिज है, उस ब्रिज से रिलेटेड भी न्यूमेरिकल्स आते रहते हैं, तो उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, तो इस लेक्चर को देख लो ताकि इसके बाद जो हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे ना, तो फिर आपको उसमें इसका यूज होगा। ठीक है, देख लेते हैं। देखो, फर्स्ट है यहाँ पे किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है। क्या बोलता है ये लॉ? ये बोलता है इट स्टेट्स दैट द अल्जेब्राइक सम ऑफ करेंट्स मीटिंग एट एनी जंक्शन इज जीरो। ठीक है, क्या बोलता है? अल्जेब्राइक सम ऑफ करंट मीटिंग एट एनी जंक्शन इज जीरो, और मैथमेटिकली कहें तो क्या मतलब कि समेशन ऑफ टोटल करंट आई इक्वल टू जीरो। ठीक है, यानी यानी अगर आप किसी भी जंक्शन पर, कोई एक जंक्शन चूज कर लेना, वहां पे अगर आप टोटल करंट निकालते हो तो उस सम हमेशा क्या आएगा? जीरो आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि किसी जंक्शन पर जितना करंट आता है उतना ही करंट क्या होता है? निकल जाता है। जैसे आपको यहाँ पे फिगर दिख रहा होगा, फिगर में देखो हम लोग एक जंक्शन लिए हैं ओ, जहां पे कुछ करंट आकर के जमा हो रहा है। तो इसमें आप देख रहे हो कि आई वन क्या है, आ रहा है, आई टू भी आ रहा है, ठीक है, और आई फाइव भी आ रहा है, जबकि आई फोर यहां से निकल जा रहा है, आई थ्री भी निकल जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इनकमिंग करंट को, ठीक है, अगर मैं इनकमिंग करंट को अगर लेता हूं पॉजिटिव, तो जो आउट गोइंग करेंट होगा उसको क्या लेंगे? उसको निगेटिव लेंगे। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन उल्टा होगा, इनकमिंग का अगर पॉजिटिव होगा तो आउट गोइंग का निगेटिव लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इस जंक्शन पे क्या मैं लिख सकता हूं कि आई वन प्लस आई टू प्लस आई फाइव, ठीक है, ये हो गया हमारा इनकमिंग करंट, माइनस आई फोर माइनस आई थ्री, ये क्या हो गया आपका आउट गोइंग करेंट, ये क्या हो गया इक्वल टू जीरो। यहां से आप इसको ऐसे लिख सकते हो आई वन प्लस आई टू प्लस आई फाइव इक्वल टू आई थ्री प्लस आई फोर। ठीक है, यानी क्या? यानी जितना करंट आता है उतना ही करंट क्या होता है? निकल जाता है। ठीक है, यानी क्या? यानी समेशन ऑफ इनकमिंग करंट, समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू क्या होता है? समेशन ऑफ आउट गोइंग करेंट। ठीक है जी, तो यही किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ है। बिल्कुल सिंपल लॉ है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि करंट क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे जो टोटल करंट आ रहा है तो वो सबको सिंपली सम कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा इनकमिंग करंट। जैसे ये तीनों आपका आ रहा था, तो ये तीनों का सम क्या हो गया? इनकमिंग करंट हो गया। ठीक है, अब जो निकल जा रहा है वो आपका आउटगोइंग करंट है, तो उसका सम कर देंगे तो आउटगोइंग करंट मिल जाएगा, तो ये दोनों आपका इक्वल रहेगा। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी जंक्शन पर अल्जेब्रिक सम जीरो होगा, यानी आप जो टोटल करंट को निकालोगे किसी भी जंक्शन पर तो वो जीरो आएगा। ठीक है, यही चीज यहाँ पे देखो ब्रीफ किया हुआ है, ये तो आपको जो है पीडीएफ में मिल जाता है, तो जो चीज था वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे फर्स्ट लॉ में बहुत कुछ नहीं है, बस यही है। ओके, यहाँ पे एक नोट है, क्या है नोट? इस नोट को भी देखिए, बोलता है द रेट ऑफ चार्ज अराइविंग एट ए जंक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ चार्ज लीविंग द जंक्शन। देखिए, अब क्या हुआ, हम ये देखे कि जितना करंट आता है, ठीक है, जंक्शन में, वो क्या होता है? वो इक्वल होता है उन करंट के जो निकल जाता है। ठीक है, मतलब जंक्शन में आने वाला करंट, सम ऑफ करंट अराइविंग टुवर्ड द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। ठीक है, तो करंट क्या है? करंट जो है वो फ्लो ऑफ चार्ज है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, तो टोटल करंट जो आ रहा है वही निकल रहा है। इसका मतलब है कि जो रेट ऑफ चार्ज है अराइविंग द जंक्शन, वो क्या होगा? वो इक्वल होगा रेट ऑफ चार्ज लीविंग द जंक्शन। ठीक है, अब क्या होता है, कभी कभार देखिए ऑब्जेक्टिव में इस तरह का क्वेश्चन स्टेटमेंट बना देता है। स्टेटमेंट बिल्कुल सिंपल रहेगा, आपको बना बोल देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, उसमें ये बात रहेगी रेट ऑफ चार्ज अराइविंग द जंक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ चार्ज लीविंग द जंक्शन। तो ये आप अगर नहीं पढ़े होते अलग से तो आपको थोड़ा कंफ्यूज करता है, बट अगर आप सोचोगे तो है वही चीज। रेट ऑफ चार्ज यानी क्या? करंट, करंट करंट अराइविंग द जंक्शन इक्वल टू करंट अराइविंग लीविंग द जंक्शन, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ये सब अलग से स्टेटमेंट बना करके अगर आप इस तरह से अभी देख लेंगे तो आपको वो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो इन अदर वर्ड्स द जंक्शन नाइदर एक्ट्स एज ए सोर्स नॉर एज ए सिंक ऑफ चार्ज। ठीक है, क्लियरली किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ किस पे बेस्ड है, किसके कंजर्वेशन पे बेस्ड है? तो चार्ज के कंजर्वेशन पे बेस्ड है। ये भी आपको ऑप्शन में दे देता है कि किरचॉफ्स लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास, तो उसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होगा। ठीक है, तो बहुत कुछ नहीं है इसमें। सेकेंड लॉ हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकेंड लॉ ज्यादा यूज भी होता है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोलता है सेकेंड लॉ?
सेकेंड लॉ आपको बोलता है इट स्टेट्स दैट ए क्लोज्ड सर्किट और मेश, ठीक है, इट स्टेट्स दैट इन ए क्लोज्ड सर्किट और मेश द अल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल एलिमेंट्स ऑफ सर्किट इज जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एक्चुअली जो किरचॉप्स जानते जाने जाते हैं वो इसी लॉ के लिए, ठीक है। किरचॉप्स का जंक्शन लॉ तो एक कह सकते हैं कि जनरल लॉ है, बट ये जो किरचॉप्स का सेकेंड लॉ है लूप लॉ, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इनका कहना है कि कोई भी आप लूप ले लीजिए, कोई भी लूप ले लीजिए, लूप मतलब कि वो क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है, कोई भी लूप ले लीजिए और उसमें आप चाहे किसी भी डायरेक्शन से मूव कीजिए, चाहे आप क्लॉकवाइज मूव कीजिए या चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज मूव कीजिए, जैसे भी आप मूव कीजिए, ठीक है, या तो आप क्लॉकवाइज मूव कीजिए या आप एंटी क्लॉकवाइज मूव कीजिए, कोई भी डायरेक्शन में आप मूव करते हैं ना, तो उस क्लोज सर्किट के अक्रॉस में जो जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिलेगा उसका सम आपको जीरो होगा उस सर्किट में, उसमें जितना भी एलिमेंट लगा हुआ है। अब ये ऑल दी एलिमेंट्स लिखा हुआ है तो सर्किट में कौन कौन सा एलिमेंट हो सकता है, बैटरी लगा हुआ हो सकता है, रेजिस्टेंस लगा हुआ हो सकता है, तो जो भी उसमें लगा हुआ रहेगा तो सारे एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आप निकालिए, उसका सम क्या आएगा, हमेशा जीरो आएगा। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, बट इसको सर्किट पे अप्लाई कैसे करना है ये आपको समझना है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट मैं बताने जा रहा हूं, इसको अच्छे से समझिए अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब देखो, टू अप्लाई दिस लॉ द फॉलोइंग साइन कन्वेंशन इज यूज्ड। इसको अप्लाई करने के लिए आपको ये साइन कन्वेंशन जरूरत होगा, ठीक है। क्या है साइन कन्वेंशन, बोलता है द फॉल ऑफ पोटेंशियल इज टेकन विथ नेगेटिव साइन एंड राइज ऑफ पोटेंशियल विथ पॉजिटिव साइन। ये इसका कह सकते हैं कीवर्ड है, ठीक है, जो कीवर्ड है हमको पोटेंशियल डिफरेंस लेने का वो क्या है, फॉल ऑफ पोटेंशियल। अब फॉल होगा, फॉल ऑफ पोटेंशियल होगा तो उसको हम लोग निगेटिव लेंगे, और राइज ऑफ पोटेंशियल होगा तो उसको हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। सिंपल सा फंडा है, फॉल को निगेटिव, राइज को पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए फॉल क्या होता है, राइज क्या होता है, ये भी समझिए, ठीक है। देखिए एक बात याद रखिएगा कि जैसे एक होता है हायर पोटेंशियल, एक होता है लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो जब आप हायर पोटेंशियल में लोअर पोटेंशियल को घटाएंगे तो ये क्या आएगा, ये आपका आएगा पॉजिटिव, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, मतलब इसमें क्या हो गया, इसमें आपका राइज ऑफ पोटेंशियल हुआ, राइज ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। तो राइज ऑफ पोटेंशियल को लोग पॉजिटिव लेते हैं और फॉल ऑफ पोटेंशियल को नेगेटिव, ठीक है। अब आपको समझना पड़ेगा कि अगर बैटरी है तो उसके टर्मिनल में, ठीक है, और अगर रेजिस्टेंस है तो उसमें किस डायरेक्शन में हमको फॉल करेगा, किस डायरेक्शन में मेरा राइज करेगा। तो देखिए इसके लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले देखो ये इन द सीट ऑफ ईएमएफ, अब देखो पहले ईएमएफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। द पोटेंशियल राइजेस फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, देयरफॉर ईएमएफ ई इज टेकन विथ पॉजिटिव साइन इन गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल एंड विथ नेगेटिव साइन इन गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब इसको समझिए अच्छे से, देखिए जब आप ईएमएफ की बात करते हैं, मतलब बैटरी की बात करेंगे, सेल की बात करेंगे, तो वो देखो वो ऐसे होगा, ठीक है, एक इसमें होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव प्लेट, ठीक है जी। तो बात कर रहे हैं कि अगर याद रखिएगा पोटेंशियल कैसे राइज करता है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। तो समझिए ये जो है आपका, ये हाई पोटेंशियल है, पॉजिटिव है, ये आपका लो पोटेंशियल है, ठीक है, ओके। लो से हाई की तरफ जाएंगे, बात समझिएगा, लो से अगर हम हाई की तरफ जाएंगे तो ये क्या हो रहा है, हम लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, यानी ये क्या हो रहा है, ये आपका हो रहा है राइज, पोटेंशियल राइज कर रहा है। अगर पोटेंशियल राइज कर रहा है तो आप इस डायरेक्शन में क्या करेंगे, अगर इसका ईएमएफ ई है, अगर इसका ईएमएफ ई है, ठीक है, तो आप इसको क्या लेंगे, आप इसको लेंगे प्लस ई, ध्यान दीजिए। अगर निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाते हैं तो राइज करेगा, क्योंकि आप लो से हाई की तरफ जा रहे हैं तो इसमें पॉजिटिव ही लेंगे। जबकि अगर आप ऐसे जा रहे हो इस डायरेक्शन में, यानी आप पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर जाते हो, तो हाई से आप लो की तरफ जा रहे हो, तो आपका क्या कर रहा है, आपका फॉल कर रहा है, ठीक है। तो इसके इसमें क्या लेंगे, माइनस ई लेंगे। यहां पे यही बात साफ साफ लिखी हुई है, इसको आप याद कर लेना है, ठीक है। निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो क्या करेगा, पोटेंशियल आपका राइज करेगा, तो इसलिए ईएमएफ को आप पॉजिटिव लेंगे, कहां से कहां, अगर आप निगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं, और अगर ईएमएफ को आप निगेटिव लेंगे जब आप पॉजिटिव टू निगेटिव जाएंगे, ठीक है। तो आप उल्टा याद रखिएगा, लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं, उल्टा मतलब कि अगर उल्टा, जैसे होता है ना, लोग बोलते हैं कि ये होता है सीधा चलना,
ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो माइनस ई लीजिएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव आइएगा तो प्लस ई लीजिएगा। कॉन्सेप्ट है राइज ऑफ पोटेंशियल पॉजिटिव, फॉल ऑफ पोटेंशियल नेगेटिव। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका ईएमएफ का केस। ठीक है, अगर हम रेजिस्टेंस का बात करें जो दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, तो उसमें क्या है, तो उसमें है देखो, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। देखिए ये बात याद रखिए, जो करंट फ्लो करता है ना, जैसे मान लो कोई, जैसे मान लेता हूं मैं यहाँ पे वैसे बात कर लेता हूँ, ठीक है, मान लीजिए कोई आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है, ये और करंट आपका इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है। या देखिए कि करंट जो फ्लो करता है वो क्या फ्लो करता है, वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में फ्लो करता है। यानी यानी ये आपका, ये पॉइंट आपका हायर पोटेंशियल हो गया, ये पॉइंट आपका लोअर पोटेंशियल हो गया। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम लोग करंट के डायरेक्शन में जाएंगे, बात समझिएगा, ठीक है, अगर हम लोग, चूंकि ये करंट का डायरेक्शन हो गया, तो अगर हम इसी डायरेक्शन में जाएंगे तो हम कहाँ से कैसे जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं हाई टू लो। यानी क्या आ रहा है, यानी पोटेंशियल आपका फॉल कर रहा है, तो इस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो निगेटिव होगा। तो यहाँ पे करंट आई है, रेजिस्टेंस आर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आई आर। ठीक है, तो इस आई आर को आप क्या लेंगे, इसको आप लेंगे निगेटिव, क्या लेंगे, माइनस आई आर लेंगे, क्या लेंगे, माइनस आई आर, क्योंकि फॉल कर रहा है। बात समझ में आ रही है ना, तो अच्छे समझिए, ओके। और अगर अगर इस जो कि करंट आपका ऐसे जा रहा है, अगर हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, बात समझिएगा, तो हम कैसे जा रहे हैं, तो हम इस तरीके से जा रहे हैं, कह सकते हैं एल से एच की तरफ जा रहे हैं, तो लोअर टू हाई, हाई लो से हाई की तरफ जा रहे हैं। यानी मेरा क्या हो रहा है, मेरा पोटेंशियल राइज कर रहा है, अगर राइज करेगा तो उसके इसमें आप भी क्या लेंगे, आप लेंगे प्लस आई आर। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट, दो एलिमेंट इंपॉर्टेंट होता है, एक रेजिस्टेंस वाला और एक आपका ईएमएफ वाला। तो रेजिस्टेंस वाले केस में करंट के अलोंग आएंगे तो निगेटिव लेंगे, और करंट के अपोजिट जाएंगे तो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, क्या लिखा है, देयरफॉर इन ए रेजिस्टर द पोटेंशियल डिफरेंस यानी आई आर इज टेकन एज निगेटिव वाइल गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर करंट का डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या लेंगे, निगेटिव, एंड विद द पॉजिटिव साइन वाइल गोइंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, और अगर करंट के अपोजिट जाएंगे तो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फॉल ऑफ पोटेंशियल नेगेटिव, राइज ऑफ पोटेंशियल पॉजिटिव। ठीक है, तो आपको लगता है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा ये चीज, और कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं है। अब हमको इसको अप्लाई करना है, तो बहुत केयरफुल होकर हम लोग अप्लाई करेंगे, कोई भी एक हम डायरेक्शन लेंगे तो उस डायरेक्शन में हम इसको अच्छे से अप्लाई करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, परेशान नहीं होना। ठीक है, तो याद रखिएगा सिंपल सा फंडा है, चाहे आप रटो चाहे कुछ करो, ठीक है, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट है कि राइज करेगा तो पॉजिटिव, फॉल करेगा तो निगेटिव। और अगर आप रटना चाहते हैं तो ऐसे रट जाइए कि पॉजिटिव से निगेटिव जाएंगे, ठीक है, तो माइनस ई लेंगे बैटरी के केस में, ईएमएफ में, और माइनस से प्लस की तरफ आएंगे तो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, और अलोंग द करंट जाइएगा तो निगेटिव लीजिएगा, और अपोजिट टू करंट आएंगे तो पॉजिटिव लेंगे। तो उल्टा भी आप याद रख सकते हो कि उल्टा सेंस होगा, ठीक है, पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल में जाएंगे माइनस। ठीक है, क्योंकि आप जनरली लोग सोचते हैं पॉजिटिव से निगेटिव चला जाता है, तो अगर आपका वो ही पाथ मेन पाथ है तो पॉजिटिव से निगेटिव में माइनस लेंगे ईएमएफ, इसका उल्टा होगा तो प्लस लेंगे। ठीक है, अलोंग द करंट जा रहे हैं, मतलब जो मेन, जो पहले आदमी बोलता है अलोंग द करंट, तो अलोंग द करंट जा रहे हैं तो निगेटिव लीजिएगा, अपोजिट टू करंट आइएगा तो पॉजिटिव लीजिएगा। ठीक है, कैसे भी याद कर लो। अब देखो, अब इसको अप्लाई कैसे करना है, तो इसको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, हम लोग उसको यहाँ पे अच्छे से बात कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक बॉक्स है जो आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये है, ठीक है, इसमें भी चला गया है, आप देख सकते हैं डायरेक्शन, डायरेक्शन कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे लिया गया है, ये आप देख पा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है, और यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज लिया गया है, कोई भी एक डायरेक्शन आप पकड़ेंगे, चाहे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लूप बन रहा है, अगर हम देखें तो यहाँ पे तीन तरह का लूप बन रहा है, एक ये लूप है, ठीक है, एक ये लूप है, तो ये दो हो गया, और एक पूरा बड़ा कर देंगे तो ये तीन लूप होगा। तो कोई भी आप एक लूप ले सकते हैं, शर्त है लूप होना, मतलब वो क्लोज होना चाहिए। ठीक है, चलो मैं इसकी बात कर लेता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो किया हुआ है, ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस R1 है, तो साफ साफ लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ताकि आपको पता चले। ये देखो, ये आपका रेजिस्टेंस R1 है, यहाँ पे करंट आपको दिख रहा होगा, इस डायरेक्शन में करंट है, ठीक है, ये करंट आपका लिया गया है I1, ठीक है, ये, और यहाँ पे भी करंट वही है, I1 है, थोड़ा बड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ये रेजिस्टेंस R3 है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे R3 रेजिस्टेंस है, इसमें करंट जा रहा है आपका I3, ठीक है जी। और ये तो अब डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन करंट का ये है, ये डायरेक्शन है, इधर भी यही डायरेक्शन है, ठीक है, मतलब आप देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे ईएमएफ का बात करें
तो ईएमएफ आपका यहाँ पे ई1 है, थोड़ा बड़ा बड़ा यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, ईएमएफ क्या है ई1, ठीक है। अब मैं अगर इस लूप की बात करूँ, इस लूप की, ठीक है, यहाँ पे पहले वही लूप लिया गया है, तो इस लूप की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग डायरेक्शन क्या चूज किए, डायरेक्शन चूज किए हैं ये वाला, ध्यान दीजिएगा, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चूज किए हैं। यानी क्या, यानी हम लोग ऐसे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहां से, क्योंकि मेरा डायरेक्शन क्या है इस तरह। तो देखिए पहले हम लोग ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल आ रहा है, तो इस ई1 को कैसे लेंगे, माइनस में लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पे लिया गया है, यहां पे भी लिया गया है, मैं आपको दिखा देता हूं, आप लेंगे क्या, -E1, ठीक है, -E1। फिर आइए इधर, फिर जैसे ही हम इस तरफ आएंगे तो हमको एलिमेंट कौन सा मिलेगा, तो हमको इस डायरेक्शन में ही एलिमेंट मिलेगा हमको, ये वाला, ठीक है। तो अब देखिए करंट आपका इस तरीके उल्टा जा रहा है, हम उसके करंट के अपोजिट आ रहे हैं, क्योंकि करंट मेरा ऐसे जा रहा था तो करंट के अपोजिट आ रहे हैं, तो यानी हम इसको लेंगे पॉजिटिव में, तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे प्लस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, R3 रेजिस्टेंस है और I3 करंट है, तो हो जाएगा I3 R3, ये आपका हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब देखिए अब हम इधर मुड़ेंगे, इधर आ गए, ठीक है, अब हम इधर मुड़ रहे हैं ऐसे, तो हम ऐसे मुड़ेंगे तो अब यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, तो चलिए फिर अब ऐसे मुड़ जाइए, अब फाइनली हमको ऐसे मुड़ना है, ठीक है। तो पूरा हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। अब जब ऐसे मुड़े तो अगेन देखो करंट मेरा, करंट के उल्टा हम जा रहे हैं, क्योंकि करंट मेरा ऐसे आ रहा है, ठीक है, करंट इधर इधर से आ रहा है ऊपर से नीचे, और हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो उल्टा जा रहे हैं, तो इस R1 के अक्रॉस में भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा आपका, प्लस होगा, क्योंकि उल्टा वाला क्या होता है, प्लस होता है, और ये हो जाएगा I1 R1, ठीक है। अब पूरा घूम चुके हैं तो कंप्लीट हो चुका है, तो ये सारा पोटेंशियल डिफरेंस का सम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो वही बात लिखा हुआ था, E1 लेना है माइनस में, -E1, चूंकि यहाँ पे फॉल पोटेंशियल फॉल कर रहा है, ठीक है। I3 R3 ये आप पॉजिटिव लेंगे क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल राइज कर रहा है, फिर प्लस I1 R1 को भी आप पॉजिटिव लेंगे क्योंकि यहाँ पे भी पोटेंशियल आपका राइज कर रहा है, तो बिल्कुल साइन देख करके ऐसे करेंगे, तो ये आपका टोटल इस लूप के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का सम निकल गया, ठीक है। अब यहां से आप काम कर सकते हैं। अब इसी तरीके से मैं आपको दूसरे बॉक्स में दिखाता हूँ काफी जल्दी से, इसी तरीके से मैं देखिए इसमें अब बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप देख सकते हैं अच्छे से, करंट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे I2 है, यहाँ पे I3 है, ठीक है, I3, और यहाँ पे आपका जो करंट है वो I2 है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है करंट का, करंट इस तरफ आ रहा है, यहाँ पे ऐसे जा रहा है, यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इस जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमता हूँ, दैट मीन्स क्या कि पहले अगेन मैं ऐसे जाऊंगा, ठीक है, फिर मैं ऐसे आऊंगा, फिर मैं ऐसे जाऊंगा और फिर मैं इस तरीके से जाऊंगा, ठीक है। तो ये मेरा पूरा सर्किट पूरा हो जाएगा, तो अब हम देख सकते हैं क्या होगा। सबसे पहले यहां से अगर बात करें तो पहले हम निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, ठीक है। तो निगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो क्या लेंगे, +E2 लेंगे, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, पोटेंशियल का राइज हो रहा है। फिर अब देखिए यहाँ पे अलोंग द करेंट आ रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शन भी यही है और करंट भी ऐसे ही आ रहा है, तो माइनस में लेंगे, तो -I2 × R2, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया अक्रॉस द R2। यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, फिर अब इधर चलो तो इधर भी देखो करंट भी इधर ही है, डायरेक्शन भी मेरा ग्रीन ग्रीन वाला आपका डायरेक्शन उधर ही है, ठीक है। तो डायरेक्शन जो है मेरा वो अलोंग द करंट है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, -I3 R3 = 0, ठीक है। अब इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, E2 = I2 R2 + I3 R3, ठीक है। यहाँ पे जो है इस लूप के लिए देखो यही चीज यहाँ पे दिखाया गया है आपको, ये चीज देख सकते हो आप, ठीक है। अब मैं अगर पूरा बड़ा बड़ा वाला लूप ले लूँ, हाँ पूरा बड़ा वाला लूप लेता हूँ, उसमें मैं चलता हूँ क्लॉकवाइज, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो भी शेप लिया गया है वो आपका क्लॉकवाइज ही है ना, मैं एंटी क्लॉकवाइज बोल रहा था, एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, यहाँ पे सारा क्लॉकवाइज ही लिया गया है, ठीक है, वो बोलने में मिस्टेक हो गया, तो ये क्लॉकवाइज ही है। आप चाहें तो एंटी क्लॉकवाइज भी लेंगे तो यही आएगा, ठीक है, कोई भी डायरेक्शन में चलेंगे कोई इशू नहीं है। तो अब देखो पूरा बड़ा वाला लूप पे काम कर लेते हैं एक साथ, हाँ तो बड़ा वाला लूप पे काम करेंगे हम लोग, देखिएगा तो कैसे होगा, ठीक है, इसको चलिए हटाते हैं। तो अब देखिए अगर मैं बड़ा वाला लूप ले लूँ यहाँ पे, जैसे ये पूरा बड़ा लूप, ठीक है, तो इसमें भी चलो हम लोग चलते हैं क्लॉकवाइज ही, मतलब पहले हम लोग ऐसे जाएंगे, ठीक है, फिर हम लोग ऐसे जाएंगे, फिर हम लोग ऐसे जाएंगे और फिर हम लोग ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, एलिमेंट आपको दिख रहा है, ये है आपका रेजिस्टेंस R1, ठीक है, ये R1 रेजिस्टेंस है, थोड़ा सा इसको इधर ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, थोड़ा छोटा ही लिखते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये है मेरा रेजिस्टेंस R1 और ये मेरा डायरेक्शन है जो हम लोग चलेंगे, ठीक है जी। करंट इधर I1 है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये आपका जो है करंट, ये करंट जो है वो क्या है, I1 है,
इधर भी आपका करंट I1 ही है, ठीक है। इधर भी करंट का डायरेक्शन जो है वो ऐसे है, आपका I1 है, ये आपका I1 है, E1, इधर I2 E2 आपको दिख रहा होगा, ठीक है, और इधर भी मेरा I2 R2। देखते हैं इस बड़े लूप के लिए क्या होगा। इस बड़े लूप के लिए आपका हो जाएगा, आप दिखोगे आप तो ऐसे लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए, ग्रीन वाला है हमारा डायरेक्शन, और अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ग्रीन वाला का अगर हम लोग देखें तो पहले हम पॉजिटिव से हम निगेटिव जा रहे हैं, तो यानी E1 जो होगा वो क्या होगा, माइनस में होगा। फिर इसमें आइए तो इसमें आपका निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, यानी हाई करेगा तो ये राइज करेगा, तो यहाँ पे प्लस E2 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो इसके अक्रॉस में एक ये आपका अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट हो जा रहा है, जिस डायरेक्शन में आपका I2 है उसी डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस I2 R2। फिर इसके तरफ कोई एलिमेंट नहीं है, फिर आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे जो मेरा करंट आ रहा है वो नीचे की तरफ आ रहा है और हम जा रहे हैं ग्रीन लाइन जो है वो ऊपर की तरफ, यानी अपोजिट टू द करंट, तो ये हो जाएगा आपका प्लस, तो प्लस I1 R1 इक्वल टू 0, क्योंकि अपोजिट टू करंट क्या होता है प्लस, और अलोंग द करंट क्या होता है माइनस, ठीक है। पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाएंगे तो माइनस, निगेटिव से पॉजिटिव में जाएंगे तो सेल में प्लस। तो सेल का EMF और जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस का EMF है, पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखो यहाँ पे भी वही चीज दिखाया गया है, माइनस E1 प्लस E2, ये माइनस में ये प्लस में, ठीक है। यहाँ पे भी देखिएगा तो वही चीज आया था हमारा, माइनस E1 प्लस E2 ये वाला, ठीक है, क्लियर है। तो कोई सा भी होगा, हम लोग काम करेंगे ना जब न्यूमेरिकल का वर्क करेंगे तो वहां पे ज्यादा अच्छे से यूज करेंगे, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझ करके अच्छे से करना है। अब देखो नेक्स्ट आ रहा है हमारा यहाँ पे व्हीट स्टोन ब्रिज। तो व्हीट स्टोन ब्रिज का जो कंस्ट्रक्शन है, पूरा जो थ्योरी है, या आप थ्योरी में पढ़ चुके हो, हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका बस देखेंगे कि ब्रिज काम कैसे करता है, होता क्या है, ठीक है। देखिए मेनली इस ब्रिज में ना, याद रखिएगा, इस ब्रिज में आपको इस तरीके से 4 आर्म्स होते हैं, जैसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस P लगा हुआ है, एक Q लगा हुआ है, एक R, एक S लगा हुआ है, ठीक है, और बीच में जो है एक गैल्वेनोमीटर है। तो अब देखो अगर यहाँ पे ये होगा कि P और R का रेशियो इक्वल हो जाएगा Q और S का रेशियो का, यानी आप P लोगे डिवाइड करोगे R से, ठीक है, क्यू लोगे डिवाइड करोगे एस से, सारा आपका रेजिस्टेंस है तो ओम में दिया रहेगा तो वैल्यू मिल जाएगा। तो पी बाई आर का रेशियो अगर क्यू बाई एस के रेशियो से के इक्वल होगा तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हम लोग इस तरह के सर्किट को बोलते हैं कि ये बैलेंस्ड सर्किट है। क्या है? बैलेंस्ड सर्किट है, ठीक है। और अगर ये बैलेंस्ड सर्किट होगा तो उस केस में यहां से कोई करंट पास नहीं करेगा, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, ठीक है। और कोई अगर करंट पास नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि ये तार है ही नहीं, जिस तार में करंट ही नहीं है वो तार ही नहीं है, मतलब वो वहां पे तार हो ना हो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो फिर ये सिंपली ये जो आपका ब्रिज है ये कैसा हो जाएगा, तो ये आपका सिंपली इस तरह से आ जाएगा सिंपली, ठीक है। बीच वाला तार को आप चाहे तो हटा सकते हैं, तो यहां पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस मेरा यहां पे है, एक रेजिस्टेंस मेरा यहां पे है, और एक रेजिस्टेंस मेरा यहां पे है, ठीक है। तो ये आपका है P, ये आपका है R, ये है मेरा Q, ये मेरा S, ठीक है। तो बीच वाला तार हटा दिए तो ये सिंपली इसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, फिर ये दोनों आपस में सीरीज में हो जाएगा। अगर मैं इस पॉइंट के क्रॉस बात करूं, ये पॉइंट मान लेते हैं मेरा A है, ये मेरा मान लेते हैं B है, ये मेरा C है। तो अगर मैं पॉइंट AC के क्रॉस में बात करूं तो ये अब सीरीज में हो जाएगा, नीचे वाला आपस में सीरीज में हो जाएगा, फाइनली ये दोनों आपस में पैरेलल में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका फायदा है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे P/Q का आप रेशियो भी निकाल सकते हैं, जैसे इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे भी, P/Q इक्वल टू R/S, ठीक है। यानी आप चाहो तो P और Q का रेशियो निकाल लो और R और S का रेशियो निकाल लो, ठीक है। अगर ये इक्वल आता है तब भी ये बैलेंस होगा, और इस केस में यहाँ पे कोई करंट शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखो वही सारी बातें लिखी हुई है कि इट इज ए स्पेशल ब्रिज टाइप सर्किट विच कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंस, ठीक है, ए गैल्वेनोमीटर एंड ए बैटरी, एंड इज यूज टू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस, दिस सर्किट इज कॉल्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। यही व्हीट स्टोन ब्रिज है। इसमें आपको ये फायदा होगा कि अगर कोई एक अननोन वैल्यू है, ठीक है, और ये बैलेंस्ड हो गया तो आप आसान, जिससे आपको 3 वैल्यू दिया हुआ है तो चौथा वैल्यू आप निकाल सकते हो आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यही सारी बातें लिखी हुई है जो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे इसके बैलेंस होने के लिए क्या कंडीशन शर्त है, तो देखो P/Q इक्वल टू R/S, ठीक है, जैसा आपको बताया, चाहे तो P/Q निकाल लीजिए, R/S निकाल लीजिए, या P/R निकाल लीजिए, Q/S निकाल लीजिए, बात एक ही है। इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा सर्किट जो है वो बैलेंस्ड हो जाएगा, ठीक है। और फिर बैलेंस्ड कंडीशन में क्या होगा जी, जब आपका ये बैलेंस्ड हो जाएगा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस केस में क्या है, आप अननोन रेजिस्टेंस को इस
के फॉर्मूला के हेल्प से काफी इजीली निकाल पाएंगे। ठीक है, अब देखो अगर यहां पे मैं किरचॉफ्स लॉ यूज करता हूं तो किरचॉफ्स लॉ यूज करके इसको मैं प्रूव भी कर सकता हूं कि ये कैसे आता है। ठीक है, तो उसके लिए देखिए यहां पे जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन लिया गया है उसी से आप काम कर सकते हैं, तो आपको काम करने में मजा आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे भी अगेन देखिए तीन तरह का सर्किट है अगर हम बात करें तो, क्लोज सर्किट। ठीक है, एक आपका देखो ये वाला है हाफ, ठीक है, दूसरा आपका फिर ये हाफ हो गया, और तीसरा जो हो जाएगा वो पूरा बड़ा वाला। ठीक है, तो करंट आपको दिख रहा है यहाँ पे आई वन है, पी है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर है ये। तो अगर मैं पहले इसको लेता हूँ, जैसे यहाँ पे लिया गया है अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ एट पॉइंट ए, इसको ए बोल दीजिए, ये ए है, ये बी ए सी डी है। ठीक है, तो ए पर अगर हम लें, ठीक है जी, ए से हम लेते हैं, और तो ए से लेंगे तो पहले क्या होगा, देखो तो करंट आपका यहाँ पे देखो आई जैसे यहां से निकला है बैटरी से, और ये बट गया है आई वन और आई टू में। ठीक है, तो सबसे पहले तो किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ लगाएंगे ए पर, जंक्शन लॉ, तो जंक्शन लॉ लगाएंगे, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ लगाएंगे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अप्लाइंग किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एट पॉइंट ए क्या होगा, आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, जितना करंट निकला था वही आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए किरचॉफ्स का लॉ लगाते हैं ए बी डी ए में, मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, मैं लगा रहा हूँ किरचॉफ्स सेकेंड लॉ लूप लॉ ए बी डी ए में। ठीक है, चलिए ए बी डी ए देखिए, ए ये आपका है देखो ए बी डी ए। ठीक है, डायरेक्शन ले लेते हैं, आप चाहो ना कोई भी डायरेक्शन आप ले सकते हो। आप बोलोगे सर इस बार ये लीजिए, क्या आप बोलोगे कि इस बार ले लीजिए आप एंटी क्लॉकवाइज, चलिए एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं, पहले ऐसे चलते हैं, ठीक है जी, फिर ऐसे आते हैं और फिर ऐसे लौट जाते हैं। ठीक है, तो सर्किट पूरा हो जाएगा। तो देखिए मैंने एंटी क्लॉकवाइज लिया हुआ है, अब देखिए डायरेक्शन देखिएगा, है ना, ग्रीन वाला को हम लोग उतर रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो हम जा रहे हैं क्या अगेंस्ट द करंट। ठीक है, यानी करंट के अपोजिट, क्योंकि करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका हो जाएगा मेरा क्या माइनस आई वन इंटू पी। ठीक है, क्योंकि पी इसका रेजिस्टेंस वैल्यू है और करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको इसके अक्रॉस में, इस रेजिस्टर के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, बट वो क्या लेंगे, वो हम लोग लेंगे निगेटिव, क्योंकि हम आ रहे हैं करंट का उल्टा, ओ सॉरी करंट का उल्टा आते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, माफ कीजिएगा, सेम टू द करंट निगेटिव, अपोजिट टू द करंट पॉजिटिव, तो अपोजिट टू द करंट है तो ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, फिर देखो फिर इसके अक्रॉस में आइएगा, तो अब क्या है, अब करंट का सेम आ रहे हैं, ग्रीन लाइन को देखिए और इसका, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस आई टू आर। ठीक है, अब ऊपर तो इसमें तो कोई एलिमेंट नहीं है जिसमें रेजिस्टेंस हो या ईएमएफ हो, तो ये आपका हो गया जीरो। ठीक है, यहां से क्या आ गया, यहां से आप देख सकते हो आ गया आई वन बाई आई टू इज इक्वल टू क्या आ गया आर बाई पी आ गया। ठीक है जी, इक्वेशन वन। चलो अब इसमें काम करते हैं, तो इसमें भी जो डायरेक्शन आपको पसंद है उसी से काम कीजिए। अब आप बोलिएगा इसमें चलते हैं क्लॉकवाइज, चलो क्लॉकवाइज चलते हैं, पहले ऐसे आते हैं फिर ऐसे जाते हैं फिर ऐसे, तो सर्किट पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो इसमें हम लोग चले थे एंटी क्लॉकवाइज, इसमें जा रहे हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, कोई भी डायरेक्शन लीजिए, दोनों में आप क्लॉकवाइज ले सकते हैं, दोनों में एंटी क्लॉकवाइज, कुछ भी करेंगे आपको जो रिजल्ट है वो सेम आएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या आएगा, तो इसको मैं लिखता हूं यहां पे, सबसे पहले देखो यहां पे क्या आ रहा है, सेम टू द करंट आ रहा है, अलोंग द करंट आ रहा है, यानी माइनस में लेंगे तो माइनस आई वन इंटू क्यू। ठीक है, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर क्यू। फिर चलिए फिर इधर आए, तो ये आपका देखिए अपोजिट टू करंट आ रहे हैं, तो अपोजिट टू करंट आएंगे तो प्लस लेंगे तो प्लस आई टू एस। ठीक है, क्योंकि एस इसका रेजिस्टेंस वैल्यू है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर एस क्या हो गया आई टू एस। अब इधर कोई एलिमेंट नहीं है नीचे से ऊपर, ठीक है, तो इधर आपका तो टोटल क्या हो गया जीरो हो गया। अब यहां से अगर आप देखोगे तो आई वन बाई आई टू क्या आएगा, तो आई वन बाई आई टू ये आपका आ जाएगा। ठीक है, उधर कर देंगे हम लोग, तो I1 वन बाई आई टू क्या आ जाएगा जी, S बाई क्यू आ रहा है ना, S बाई क्यू ये, तो यहां से I1 वन बाई आई टू एस बाई क्यू आया, यहां से क्या आया R बाई पी, दोनों को बराबर कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हो गया R बाई पी बराबर S बाई क्यू। ठीक है, अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, पहले तो मैं इसको अगर पलट दूंगा तो ये हो जाएगा क्या, पलट दीजिएगा तो हो जाएगा P बाई आर इज इक्वल टू क्यू बाई एस। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि P बाई आर क्यू बाई एस भी देख सकते हैं, और इसी को सजा के लिख दीजिएगा तो P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस भी आ जाएगा। तो काफी आसानी से ये जो स्पेशल सर्किट है जिसको हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज बोलते हैं, इसके बैलेंस्ड कंडीशन में आपको ये मिल जाएगा।
तो बैलेंस्ड कंडीशन क्यों, क्योंकि हम लोग इसके अक्रॉस में कोई एलिमेंट नहीं मान रहे हैं, ठीक है। डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में जीरो होगा, इसका मतलब कोई एलिमेंट इधर वर्किंग नहीं है, बात फॉलो कर रहे हैं। तो ये है, अब हम लोग इसको देखो यूज करने का तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। यहाँ पे वही बात लिखी हुई है और उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया वैसे यहाँ पे काफी सिस्टमेटिक वे में प्रूफ किया हुआ है, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज का सेंसिटिविटी भी याद रख सकते हैं आप, ठीक है, आपको काम आ सकता है। क्या है तो सेंसिटिविटी ऑफ ब्रिज डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग टू फैक्टर। नंबर वन, रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस इन फोर आर्म्स ऑफ द ब्रिज। इफ द फोर रेजिस्टेंस PQRS आर ऑफ सेम ऑर्डर, द ब्रिज इज सेट टू बी मोर सेंसिटिव, ठीक है। तो ये आपको ऑर्डर से लेना है, जैसा ऊपर में दिया गया था। रिलेटिव पोजिशन ऑफ बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, फॉर लार्जर सेंसिटिविटी ऑफ ब्रिज आउट ऑफ बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर, द वन हैविंग द हायर रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड बिटवीन द जंक्शन ऑफ टू हाइएस्ट रेजिस्टेंसेज एंड द जंक्शन ऑफ टू लोवेस्ट रेजिस्टेंसेज, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे जैसे एक तो आपका बैटरी है, आपका गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। तो इसमें से कोई एक जो है ना वो क्या होगा, वो हायर रेजिस्टेंस के बीच में कनेक्ट किया हुआ होगा और जो दूसरा होगा वो ठीक है वो आपका लोवेस्ट रेजिस्टेंस के जंक्शन में कनेक्ट किया होगा, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये खैर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो सेंसिटिविटी आपको थ्योरी में ज्यादातर आता है। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए रिजल्ट इंपॉर्टेंट होगा, इस पर हम लोग काम करेंगे और बहुत सारा न्यूमेरिकल इससे आता है तो उसको हम लोग देखेंगे, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज हम लोग यहीं पर इसको क्लोज करते हैं, फिर हम लोग न्यूमेरिकल जो हमारा मेन पर्पस है उसकी तरफ हम लोग जाएंगे, वहां से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, डेफिनेटली आपको काफी फायदा होगा। तो पढ़ते रहिए, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा कंटेंट है, बहुत तरह का आप बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, ठीक है। शेयर कीजिए इसको, और अगर आप चाहते हो पूरा कोर्स आपको फिजिक्स का मिल जाए, आप PGT TGT की तैयारी कर रहे हो या आपका ये सिलेबस में है, तो आप जाके देख सकते हो, मेरे ऐप पे कोर्स अवेलेबल है, PDF भी वहाँ पे अवेलेबल है, डाउट पूछ सकते हो। आपको उसके लिए मेरा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, MSC लर्न ऑनेस्टली, वो आपको आसानी से प्ले स्टोर में मिल जाता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।